जो लोग अपनी मर्दाना ताकत को चरम सीमा पर रखना चाहते हों, अपने वीर्य के अंदर वृद्धि चाहते हों और अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हों, ऐसे लोग काले कौंच बीज को पीठी की तरह, जैसे दाल की पीठी होती है, इस तरह बना लें। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लें। उसके बाद इसके गोल गोल बॉल्स बनाकर इसको देसी घी के अंदर तल लें, जैसे पकौड़े तलते हैं। जब ये पकौड़े ठंडे हो जाएं, तो जिस तरह से अचार को सरसों के तेल के अंदर संभाल कर रखा जाता है, इन पकौड़ों को आप शहद में डुबो कर रख लें। ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाएं, 2 से 3 दिन के लिए बना लें, उसके बाद दोबारा फिर बनाएं। इस बात का ध्यान रखें, जो पकौड़ा आप बनाएं उसका वज़न 5 ग्राम के आसपास हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। रोज़ाना खाना खाने के 1/2 से 1.5 घंटा बाद एक पकौड़े का गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करें, सुबह भी और शाम भी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी और आपकी वीर्य की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।